मैं कहता हूँ एक दिन में बड़ा आदमी बनूंगा तो मेरी कमी पूरी हो जाएगी। भविष्य में आज से 4 साल बाद 10 साल बाद मैं बड़ा आदमी बनूंगा, तब मेरे भीतर जो कमी का भाव रहता है वो भाव पूरा हो जाएगा, हट जाएगा। यही कहते हैं ना, हर आदमी भी चलता है, इसी को तो हम कहते हैं कि हमारे प्यारे सपने, एक दिन मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अब तुम भविष्य में कुछ बनने की सोच ही क्यों रहे हो, सही सही बताओ? क्योंकि वर्तमान में तुम्हारे भीतर हीन भाव है। तुम बाहर हीरा ढूंढ ही क्यों रहे हो? क्योंकि घर में खो दिया है। बेटा तुम भविष्य के बारे में सोचते ही इस खातिर हो क्योंकि वर्तमान का तुम्हें कुछ विशेष पता नहीं। तुम्हारे घर में ही तुम्हारा कुछ सामान रखा है, कीमती सामान, बहुत कीमती सामान है जो तुम्हारे घर में ही रखा हुआ है। बस भूल गए हो कि घर में ही रखा हुआ है। तो तुम कर क्या रहे हो? तुम उसको जाकर के दुनिया भर में तलाश रहे हो, बाहर ढूंढ रहे हो घर से। तुम्हें शक है कि इतनी बड़ी दुनिया है वहां मिलेगा, घर तो छोटा सा है, घर में कैसे मिलेगा? घर तो छोटा सा होता है, बाहर इतना विशाल अस्तित्व है, बहुत बड़ा है। तुम्हें लग रहा है वहां कहीं खोया होगा, वहीं तुम तलाश रहे हो और वो अनंत है, वहां तलाशे जा रहे हो, तलाशे जा रहे हो, वहां मिल नहीं रहा है। मिलेगा तो वहीं ना जहां खोया था, या कहीं और मिलेगा? खोया कहां? खोया घर में, ढूंढ कर रहे हो, बाहर ढूंढ रहे हो। ठीक इसी तरह से भविष्य में भटकते हो। जो खोया है वो अभी है, वर्तमान है, और तुम ढूंढते हो कहीं और, अतीत में, भविष्य में, वहां मिलेगा नहीं। भविष्य में तुम जाते ही इसीलिए हो क्योंकि वर्तमान में कुछ गड़बड़ हो रही है। कहते तुम भले ये हो कि मुझे भविष्य की चिंता है, पर वो बात तुम बिल्कुल गलत कहते हो। वस्तुतः तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं है, तुम्हारे वर्तमान में कमी है। कहते तुम यही हो कि देखो बाहर भटक रहा हूं और हीरा मिल नहीं रहा, पर खोया तुमने बाहर है ही नहीं, बाहर कुछ नहीं मिलेगा, बाहर कुछ है नहीं, बाहर कोई गड़बड़ हुई नहीं है। गड़बड़ कहाँ हुई है? घर के अंदर हुई है। खोया तुमने घर के अंदर है, गड़बड़ वहां हुई है। बाहर भटकने से फायदा क्या? भविष्य में जाने से फायदा क्या? घर वर्तमान है, वही मिलेगा। वर्तमान में क्या गड़बड़ है? हमने हीन भावना की बात करी थी। मुझे लगता है कि मुझ में कुछ कमी है, मुझे लगातार लगता है मुझ में कुछ कमी है, और हमने कहा था कि कमी का सारा भाव नकली है, कृत्रिम है, आयातित है। हर कमी तुम्हें जबरदस्ती महसूस कराई गई है, कमी कोई वास्तविक है नहीं। पर अब मैं मान ही बैठा हूं कि मुझ में कुछ कमी है, तो मैं क्या करता हूं? मैं कहता हूं एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा तब मेरी कमी पूरी हो जाएगी। भविष्य में आज से 4 साल बाद 10 साल बाद मैं बड़ा आदमी बनूंगा, तब मेरे भीतर जो कमी का भाव रहता है वो भाव पूरा हो जाएगा, हट जाएगा। यही कहते हैं ना, हर आदमी इन्हीं पे चलता है, इसी को तो हम कहते हैं कि हमारे प्यारे सपने, एक दिन मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अब तुम भविष्य में कुछ बनने की सोच ही क्यों रहे हो, सही सही बताओ? क्योंकि वर्तमान में तुम्हारे भीतर हीन भावना है। तुम बाहर हीरा ढूंढ ही क्यों रहे हो? क्योंकि घर में खो दिया है, कहीं चला नहीं गया, बस खो दिया है, मिल जाएगा। जिस व्यक्ति के भीतर जितनी हीन भावना होती है वो उतने ज्यादा सपने पालता है। जिस आदमी को खूब सपनों में देखना, किसके पास तो खूब सपने हैं भविष्य के, समझ लेना कि वो अपने आप को उतना छोटा, उतना क्षुद्र समझता है, उसके वर्तमान में दुख ही दुख भरा हुआ है। जिसके पास दुख बहुत ना हो उसे सुख की तलाश होगी क्यों? और जितना दुख होगा उतनी गहरी तुम्हारी सुख की तलाश होगी। तो वर्तमान में छटपटा रहे हो और इलाज खोजने कहाँ गए हो? भविष्य में। तुम्हारी हालत उस आदमी की है जिसको हार्ट अटैक आया है और जो कह रहा है कि 4 साल बाद एम्बुलेंस भेज देना। बीमारी कब है? अभी। इलाज कहाँ खोज रहे हो? भविष्य में। बड़े होशियार हो। और तुम्हारी होशियारी और भी प्रगाढ़ इसलिए है क्योंकि बीमारी नकली है। तो पहली बात तो तुमने एक नकली बीमारी पाली जो है ही नहीं, और दूसरी बात उस नकली बीमारी का तुम नकली इलाज भी खोज लाए। कहाँ? एक नकली भविष्य में। सब कुछ बढ़िया नकली है, बस एक चीज है जो अभी तुम्हें असली पता चल रही है, दुख, तनाव,
वो खूब झेल रहे हो, असली असली खरा खरा, सब नकली, हीन भावना नकली, उस हीन भावना का इलाज भी नकली। तुमसे कहा जा रहा है तरक्की करो, तुम बोलो हम पिछड़े हुए कब हैं? तरक्की वो करें जो पिछड़े हुए हो। आपको कैसे लग गया हम पिछड़े हुए? माफी मांगिए। तुमसे कहे कि बेटा खूब तरक्की करो, उसे कहो माफी मांगो, तुमने गाली दी है। तुम्हें कैसे लग गया कि हम पिछड़े हुए हैं? तरक्की तो वो करें ना जो भाई देशों में क्या कहा जाता है, विकसित देश और विकासशील देश। अब अविकसित नहीं कहा जाता, थोड़ा सा सभ्य तरीका है कि अविकसित बोलोगे तो बेचारों को बुरा लगेगा, तो उनको क्या बोल देते हैं? विकासशील देश। कहता है ये तरक्की कर रहे हैं। सही बात तो यह है कि उन्हें अविकसित कहा जा रहा है, पर कहते नहीं है कि होना तो ये चाहिए था ना कि अगर कुछ विदेश विकसित है तो दूसरों को क्या कहा जाए? अविकसित। पर हम कहते हैं विकसित और विकासशील। तो वैसे ही तुमसे कहा जाता है कि विकासशील रहो, वास्तव में क्या कहा जा रहा है? अविकसित हो। पर तुम सुने जाते हो, तुमसे कहा जा रहा है तुम अविकसित हो और तुम सुने जाते हो। तुम अविकसित हो, कितने लोग कह रहे हैं कि हम अविकसित हैं? तो फिर क्यों भविष्य में एक विकसित भविष्य तलाश रहे हो? मस्त रहो वर्तमान में, भविष्य अपने आप ठीक रहेगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। भविष्य की चिंता वर्तमान की बीमारी से निकलती है, वर्तमान की बीमारी का इलाज करो, भविष्य की चिंता अपने आप हट जाएगी। वर्तमान बीज है, भविष्य पेड़ है। बीज अच्छा है और तुम बीज के साथ हो और तुम्हें बीज से प्यार है और तुम उसे खाद दे रहे हो और पानी दे रहे हो और धूप दे रहे हो, तो क्या अपने आप ही सुंदर पेड़ नहीं आ जाएगा? या तुम्हें पेड़ की चिंता करनी पड़ेगी तब आएगा? जो वर्तमान में मस्त है, डूबा हुआ है, भविष्य उसका सुंदर होगा या जो वर्तमान से उबा हुआ है उसका? जल्दी बोलो, तो डूबना है या उबना है? पर हम तो उबे उबे रहते हैं वर्तमान से, हमें तो भविष्य ही प्यारा लगता है। हम तो कहते हैं अभी जो कुछ है वो उबाऊ है, आगे जो कुछ होगा वो बड़ा सुंदर होगा और हमें उसे सुंदर बनाना हो, इसी के तनाव में जिए रहते हैं कि किसी तरीके से भविष्य को सुंदर बनाओ। लिख लो, यही उबना नहीं है, डूबना है। सपने क्यों देखते हो पहले ये समझ लो, ये मत पूछो कि छोड़े कि ना छोड़े, पहले सोचो, ध्यान दो कि सपने क्यों देखते हो। अभी मुझसे बात कर रहे हो तो सपने देख रहे हो? अभी देख रहे हो सपने? अभी मुझसे बात में डूबे हुए हो ना? अभी जो कुछ हो रहा है उसमें मौजूद हो तो क्या सपने देख रहे हो? तुम सपने देखते ही तब हो जब उबे हुए होते हो। अभी कितने लोग हैं यहाँ जो सपने देख रहे हैं? होंगे, दो चार होंगे। पहले उसको बात समझ में आ रही है? सपने तो तब देखोगे ना जब सोए हुए होगे। जग जाओ, सपने क्या देखने हैं? जगो, सपने क्या देखने हैं? बीज को पानी देना है या ये सपने लेने हैं कि इसमें से एक दिन सुंदर फल मिलेगा? बीज है, प्यारा है, मजे में पानी दो, फल आना होगा, अपने आप आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। सपने क्या ले रहे हो? अब बीज सड़ रहा है और यहां बैठ के फल के सपने ले रहे हैं। बीज तो सड़ रहा है, बीज क्या है? वर्तमान, वो सड़ रहा है और बैठ के सपने किसके ले रहे हैं? भविष्य के। तो क्या मिलेगा? न बीज न पेड़, दोनों में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना? हाँ बोलो। उत्तर इस सवाल का है कि भविष्य की चिंता से कैसे मुक्त हो। क्या ठीक वही उत्तर इस सवाल का नहीं होगा कि अतीत को कैसे भूलें? अभी मुझसे बात कर रहे हो, क्या अतीत को याद कर रहे हो? तो ठीक वही बात हुई ना, घर में जब कुछ खोता है तो उसे खोजने के लिए आदमी दो दिशाओं में भटकता है, घर के आगे घर के पीछे, दो ही दिशाएं तो होती हैं ना, या तो घर के आगे या घर के पीछे। जब घर के आगे भटकते हो तो उसका नाम होता है सपने लेना, और जब घर के पीछे भटकते हो तो उसका नाम होता है स्मृतियां लेना।
बिल्कुल एक ही बात, कोई अंतर नहीं है, दोनों में एक ही घटना घट रही है कि खोया घर में है और खोज घर के पीछे रहे हो। जब घर के भीतर मिला होता है तो आदमी घर के पीछे भागता नहीं, घर का पिछवाड़ा नहीं तलाशता कि पीछे निकलो उधर कहीं होगा। स्मृतियों में वही खोता है जिसका वर्तमान नीरस होता है। अपनी जिंदगी से परख लो ना, जब भी कभी बातें हो कि सब ठीक है, सब बढ़िया है, मस्त है, तो तब क्या यादों में खोते हो? तब तो नहीं खोते। यादें भी मन पे तभी हावी होती हैं जब कुछ गड़बड़ चल रही होती है। तो इलाज किसका करना है, यादों का करें या गड़बड़ का करें? यादों की तो बात ही नहीं है, वो तो प्रश्न ही कौन है। जो प्राथमिक प्रात है, जहां समस्या है, वो है कि अभी क्या चल रहा है। अगर अभी सब कुछ ठीक है तो फिर अतीत तुम्हारे ऊपर चढ़ने नहीं आएगा, तुम्हें सताने नहीं आएगा। तुम में से जिन लोगों को यादें बहुत ज़्यादा आती हों, स्मृतियां मन पे खूब हावी रहती हों, वो ये साफ साफ समझ लें कि अभी वर्तमान में गड़बड़ चल रही है। और वर्तमान में एक ही गड़बड़ चल रही होती है कि वर्तमान के प्रति आँखें खुली नहीं हैं, कि ठहर करके अपने मन को देख नहीं रहे हो। इसी का नाम होता है वर्तमान। मन में चल क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे सारे कर्म किस स्रोत से आ रहे हैं, ये कर नहीं रहे हो। जो मौजूद ही है उसको छोड़ करके कल्पनाओं में खो रहे हो, और तभी खोते हो जब जो मौजूद है उसको ठीक से देखा नहीं। अगर देखोगे तो पाओगे कि वो इतना बढ़िया है, सुंदर है, कि तुम्हें कल्पनाओं की जरूरत ही नहीं है। जिसको खाना मिला ही हुआ हो वो खाने की कल्पनाओं में क्यों खोएगा, खाना तो सामने रहा। पर हमारी बड़ी अजीब हालत है, खाना सामने है, हम भूखे हैं और खूब कल्पनाएं कर रहे हैं, पर कल्पनाओं से पेट भरता नहीं। पेट तो खाने से ही भरता है, और खाना असली होना चाहिए, कल्पित खाना नहीं। असली खाना तो वर्तमान में ही सामने मिलेगा, उसको हम देखते नहीं। सपने लेना में बहुत अच्छा लगता है, यादों में खोना में बहुत अच्छा लगता है। आंखें खोलो, जो भी कुछ जीवन में चल रहा है उसके प्रति जागरूक हो जाओ, तुम पाओगे कि अतीत की चिंता, अतीत की यादें कम आएंगी। ठीक है।